और मेरा तो मत है लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं। साथियों, ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। भारत में प्रोफेशन के अनुकूल कपड़े, उस पर सैकड़ों सालों से काम हुआ है। अगर रेगिस्तान में है तो उसके जूते कैसे होंगे, शहरी जीवन है तो जूते कैसे होंगे, खेत में काम करने वाला है तो जूते कैसे होंगे, पहाड़ में काम करने वाला होगा तो जूते कैसे होंगे। आपको सैकड़ों साल पुरानी डिजाइन आज भी इस देश में उपलब्ध है, लेकिन हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर जितनी बारीकाई से सोचना चाहिए हम नहीं सोच रहे हैं। और साथियों, ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं जी, खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए मुझे मंजूरी नहीं है। आरे दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है, हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हां, गरीब को जरूरत है, खड़े रहना चाहिए, उसको पढ़ाना है पढ़ाना चाहिए, उसको अस्पताल की जरूरत है देना चाहिए। बाकियों के जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं भाई, नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग, हां, सरकार एक कैटलिक एजेंट के रूप में आपके जिन सपने हैं उसको पूरा करने में जो जो रुकावटें हैं दूर करने का काम करें, उसके लिए हम बैठे हैं, हम करेंगे। फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोज एंड हिट द बेल आइकन to stay updated with the latest.